दोस्तों, ये हमारे बच्चे लोगों का गाड़ी दोस्तों, मतलब कार। हमारे इधर दोनों भी हंस रहे हैं, देख सकते हैं। और उधर दोस्तों आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा, ये वाला को मतलब रोटी मतलब नहीं बनाया दोस्तों, उसको सब्जी बना दिया। आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो इधर देख करो इसको। इनका भी मतलब मन नहीं था कि मतलब वहां पर जाकर काम करे बोल के, है कि नहीं। इसी हेलो दोस्तों, हमारी भगत दुर्गा आप लोग में आप लोगों को स्वागत है। और दोस्तों ये बज रहा है शाम के 4 बज रहा है दोस्तों, और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ? ईंट बनाने। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ईंट बनाने, वो भी यहाँ पर नहीं दोस्तों, हमारे घर के सामने नहीं दोस्तों। और हम लोग जा रहे हैं अलग जगह, मतलब इनके मम्मी पापा वहाँ बनाते हैं दोस्तों, तो मतलब वहीं पर जगह दिए हैं, तो वहाँ पर हम लोग बनाएंगे दोस्तों और आप लोगों को दिखाएंगे, है कि नहीं। हाँ। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मतलब बताए थे कि मतलब हम लोग दूसरे जगह मतलब ईंट बनाएंगे बोल के, तो अभी जाके आप लोगों को दिखाएंगे, है कि नहीं। हाँ। मतलब वहाँ मतलब कैसा है जगह, मतलब क्या क्या है, आप लोगों को अभी जाकर दिखाएंगे दोस्तों, है कि नहीं। हाँ। दोस्तों ये हमारे बच्चे लोगों का गाड़ी दोस्तों, मतलब कार। हमारे इधर दोनों भी हंस रहे हैं, देख सकते हैं। कार बोल रहा हूँ तो दोस्तों, तो ये हमारा क्या बोलते हैं कार, बच्चे लोगों का। अच्छा है कि नहीं। तो मतलब ये देख सकते हैं दोस्तों, मतलब रस्सी बांध दिए हैं, वहां पर एक बैठता है और एक तीरता है, देख सकते हैं। तो ये खींच रहा है दोस्तों, खींचो 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 खींचो। तो दोस्तों मतलब आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है हमारा कार, है कि नहीं। तो मतलब इसको मतलब बच्चे लोगों को मतलब बिठा के दोस्तों मतलब कुसुम मतलब घुमाता है कि नहीं। हाँ। तो अच्छा है कि नहीं जुगाड़। हाँ। तो चले ईट बनाने के लिए। हाँ, चलो। तो चलते हैं दोस्तों अभी ईट बनाने के लिए। दोस्तों हम लोग आ गए हैं दोस्तों हमारा नया जगह में दोस्तों, और सूखा दिख रहा है ईट नीचे में, वो हमारा है दोस्तों। और इधर देख सकते हैं तो कच्चा ही वाला हमारे दोनों भी अभी बना रहे हैं दोस्तों, और ये वाला खाली दिख रहा है दोस्तों। ये वाला में हम लोग बनाएंगे ईंट, और इतना सारा मिट्टी पलटी की है दोस्तों, देख सकते हैं। ये वाला मतलब पलटी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इधर पलटी करने के लिए और बाकी है, और इन लोग बना रहे हैं दोस्तों ईंट। और उधर दोस्तों आप लोग को जूम करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारे ससुर जी और हमारे साले साहब लोग, सभी लोग बना रहे हैं दोस्तों उन लोग ईंट। और इधर हमारे बड़ों भी देख सकते हैं, तो इन लोग बना रहे हैं दोस्तों। मैं जल्दी से इसको पलटी वल्टी करता हूँ दोस्तों। दोस्तों हम लोग ईट वीट बना के आ गए हैं दोस्तों, और रात के 9 बज रहा है दोस्तों। और हमारे खुशमिता को देख सकते हैं दोस्तों, मतलब जल्दी सोता नहीं है, अभी से मतलब सोया नहीं है। और कोहनूर कुसुम और उस्मिता इन लोग मतलब सो गए हैं दोस्तों, और ये सोया नहीं है, पता नहीं इसको नींद लगता है कि नहीं लगता है। तो नींद नहीं लग रहा है, नींद नहीं लग रहा है। तो दोस्तों सभी लोग सो गए हैं, मतलब बच्चे लोग, यही बच्चा है और यही लास्ट में सोता है। और दोस्तों देख सकते हैं इधर फाइनली मतलब लाइट को मतलब लगा लिए दोस्तों, मतलब बल्ब देख सकते हैं। तो ये वाला बल्ब वहाँ का है दोस्तों, इधर का जो लगाए थे, तो यहाँ पर ईंट नहीं बना रहे दोस्तों, तो मतलब ये वाला लाइट को वहाँ का बल्ब को यहाँ लगाएं दोस्तों, तो अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर अंधेरा नहीं है दोस्तों। और हमारे इधर बड़ा बीबी बना रहा है, पता नहीं अभी चावल पक रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और इधर क्या पीस रहा है, क्या पीस रहे हैं? चावल पीस रहे हैं। क्या करोगे इसको? क्या बनाओगे? क्या बनाते हैं बताओगे, तभी तो जानेंगे, मालूम होगा। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? बच्चे के लिए रोटी बनाओगे। रोटी इसके लिए? इसके लिए? हाँ। तो इसके लिए रोटी बनाएगा दोस्तों, ये तो अभी सोएगा नहीं, हम लोग नहीं सोएंगे तो मतलब बच्चे भी नहीं सोता है, है कि नहीं। हाँ। अभी ये पीस रहा है दोस्तों चावल को, और अभी खाना पक रहा है, और हमारे छोटा बीबी अभी बच्चे को सुला रहा होगा दोस्तों। इधर मच्छरदानी वच्छरदानी लगा रहा है, इधर देख सकते हैं उस्मिता उधर है, और कुसुम
और इधर कोहिनूर पूरा सो गए हैं। इधर हमारे छोटा बीवी लगा रहे मच्छरदानी भी सेटिंग कर रहा है, और इसको तो मतलब नींद नहीं लगता है, क्या ही बताएं। इधर देखो गाना गा रहे हो, नाच नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। तो अभी चावल वावल पक रहा है दोस्तों, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। अभी तो मतलब चावल ही नहीं पका है, इसके बाद फिर चावल पकने के बाद सब्जी पकेगा, उसके बाद फिर खाएंगे। मतलब 10 बज जाएगा दोस्तों, तो देखते हैं कब तक पकता है सब्जी उब्जी। दोस्तों हम लोग खा रहे हैं दोस्तों खाना, और दोस्तों अभी बज गया है 9:30 बज रहा है दोस्तों, और अभी खाने के लिए मतलब बैठे हैं, अब खा रहे हैं दोस्तों। और इधर देख सकते हैं हमारे बड़ा बीवी, ये भी खा रहा है दोस्तों। इधर खुशमिता, ये तो अभी तक मतलब सोया नहीं है देख सकते हैं, और खा रहा है खाना। और इधर हमारे छोटा बीवी उधर खा रहा है दोस्तों। और मतलब ये वाला को मतलब रोटी मतलब नहीं बनाया दोस्तों, उसको सब्जी बना दिया, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, जो चावल का मतलब पीसा था दोस्तों, तो उसको क्या बना दिया है, सब्जी बना दिया। तो क्या सब्जी बोलते हैं इसका नाम? रहना हाँ। कढ़ी बोलते हैं ना हाँ। आप लोग देख लीजिए दोस्तों अच्छा से, इसको बोलते हैं कढ़ी और रहना भी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि नहीं हाँ। और बहुत दिन के बाद खा रहे हैं दोस्तों ये वाला सब्जी, है कि नहीं हाँ। और उधर खा रहा है वो, और बहुत दिन के बाद मतलब खा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। मतलब कढ़ी साग हम लोग तो कढ़ी बोलते हैं और रहना भी बोल देते हैं हम लोग रहना। और आप लोग खाएं कि नहीं खाए हैं ऐसा वाला साग और रहना साग, कमेंट करके बताना, है कि नहीं। हमारे बड़ा भी तो हंस रहा है दोस्तों, और वो भी हंस रहा है इसे बोल रहा हूँ। तो अभी खाना वाना खाते हैं दोस्तों। दोस्तों सुबह के 8:30 बज चुके हैं दोस्तों, और देख सकते हैं धूप काफ़ी तगड़ा धूप है दोस्तों। 8:30 बजा है और इतना सारा ईंट बना दोस्तों, देख सकते हैं पूरा ख़त्म कर लिए हैं, और कितना है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इतना सारा बना दोस्तों। और इधर हमारे छोटा बीवी साँचा वाँचा मतलब धो रहा है दोस्तों। इधर कोहिनूर भी बैठा हुआ है देख सकते हैं, और मैं भी जाता हूँ दोस्तों हाथ पैर धोने के लिए अभी, क्योंकि दोस्तों अभी खाना वाना खाने के लिए जाना है, और काफ़ी तगड़ा धूप भी है देख सकते हैं। तो अभी हाथ पैर धो के जाते हैं दोस्तों खाना खाने के लिए। दोस्तों घर पर आ गए दोस्तों, और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और इधर देख सकते हैं दाल बना है दोस्तों आज, इधर चावल और कद्दू भी बना है। कद्दू किधर है? तो हमारे छोटा भी अभी दे रहा है दोस्तों कद्दू, कल भी मतलब कद्दू बना था और आज भी, और दाल भी बना है दोस्तों। अभी खाना वाना खाते हैं, भूख भी लग रहा है दोस्तों। और हमारे बड़ा भी तो मतलब जहाँ सोते हैं वहाँ खा रहा है दोस्तों, और अभी मैं भी खाता हूँ, काफ़ी भूख लग रहा है, सुस्त भी लग रहा है। इधर भी खा रहा है खुशमिता, कैसे खा रहे हो देखो तो सभी तरफ गिरा दे रहे हो। तो बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं दोस्तों, क्या ही बताएं, इधर उधर गिरा देते हैं। तो अभी खाते हैं दोस्तों खाना। दोस्तों खाना वाना खा लिए हैं दोस्तों, और पानी भी मतलब चालू हो गया है दोस्तों। कुसुम आकर अभी मतलब बोल रहा है कि पानी चालू हो गया है बोल के, तो अभी जाते हैं दोस्तों मतलब मिट्टी उट्टी भिगोने के लिए। और देख सकते हैं कितना तगड़ा धूप है दोस्तों, बहुत ही धूप। और हमारे बड़े भी चला गया है, और हमारे छोटे भी इधर बर्तन धो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं एक भी ईंट नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं पूरा खाली है, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे दोस्तों इसीलिए। और देख सकते हैं एक भी ईंट नहीं, इधर खड़ा वाला ईंट है। अभी जाता हूँ दोस्तों जल्दी से, पानी भी चालू हो गया है दोस्तों। 10:30 बज चुके हैं दोस्तों, और मिट्टी बल्टी उल्टी कर लिए हैं देख सकते हैं। और हमारे छोटा बीवी दोस्तों उधर है, सभी सामान वामान पकड़ रहा है दोस्तों। हमारे बड़े बीवी इधर ईंट लगा रहा है, अभी जाना है दोस्तों घर, नहाना भी है और काफ़ी धूप भी है, तो जाते हैं दोस्तों हम लोग घर तरफ। दोस्तों शाम के 3:30 बज चुके हैं दोस्तों, और मेरा मतलब फड़वा का मतलब क्या हालत हो गया है दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों मेरा फावड़ा का क्या हालत हो गया है। और दोस्तों मतलब ये रहा उसका बेट, देख सकते हैं मतलब वहाँ पर जाने के बाद मेरा टूट गया दोस्तों, और पता नहीं कैसे टूट गया। मतलब इनका भी मतलब मन नहीं था कि मतलब वहाँ पर जाकर
काम करे बोल के, है कि नहीं? हाँ। इसीलिए टूट गया दोस्तों। ऐसे भी हम लोग को मतलब मन नहीं था वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन लाइट के कारण वहाँ पर जाना पड़ा, है कि नहीं? हाँ। मतलब इसको भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों, तो इसी कारण ये भी टूट गया। तो अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, अब इसको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। और तुम लोगों को मतलब वहाँ जाने का मन था? नहीं। तुमको? नहीं। तो किसी का मन नहीं था दोस्तों, लेकिन क्या ही कर रहे हैं, लेकिन लाइट के कारण हम लोग गए हैं। और फिर नया लाए हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला नया बेट है, तो इसको भी इस पर लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको मतलब काम है, इसको मतलब छीलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद ही मतलब यहाँ पर लगेगा दोस्तों। तो इसको अभी लगाएंगे इसमें, और ब्लॉग को ये एंड करते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा भी हो गया होगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर नए हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।